सिंधु महाविद्यालय के एक लेक्चरर के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि फेल करने की धमकी देकर उसने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। घटना के उजागर होने पर गुस्साए विद्यार्थियों और पालकों ने पाचपावली थाने का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार आरोपी राकेश गेडम पाचपावली स्थित सिंधु महाविद्यालय में बतौर विभाग प्रमुख है। शिकायत में 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह जब भी राकेश के संपर्क में आई तब राकेश ने उसे बार बार स्पर्श किया, विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था। छात्रा ने यह बात कॉलेज के ही अली नामक लेक्चरर को बताई तो उसने खुद इस बारे में प्रिंसिपल से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीड़िता के अलावा अन्य छात्रों पर भी राकेश ने बुरी नज़र डाली है। बदनामी तथा फेल होने के डर से किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। पिकनिक के दौरान राकेश ने कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों से कॉलेज की ही किसी लड़की की मांग की थी। राकेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। स्कूल के एचओ जो है वो उसको नाम से राकेश गेड़ा सर वो हमारे एचओडी है और हमें फर्स्ट ईयर वाले है और वो हमको बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं हर बात के लिए। हमको धमकी देते हैं कि तुम अगर तुमको पास होना है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या मतलब मेरा क्या फ़ायदा है, बोलते हैं कि तुम लोग अगर तुमको पास होना हो और तो तुमको मेरा क्या फ़ायदा, मैं तुमको किस से पास करूँ, बोलते हैं और क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए। ये सब हमको फर्स्ट ईयर वालों को बोलते हैं। हमको जैसे लगता था कि सर मतलब सर के इसके हम लोग उनको कुछ बोलते मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं कर पाते थे सर के इससे। गलत करते थे, टच वच करते थे सर, तो हम लोग उनसे इग्नोर करते थे सर को, तो सर हमको पूरी क्लास के सामने वैसे बदनाम करते थे, स्पेशली लड़कियों को। नहीं, हम नहीं कर पा सकते थे क्योंकि पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं करेंगे ना फिर, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं, हमको तो डायरेक्ट बोलेंगे तुम घर के काम करो, क्यों कॉलेज जा रहे हो, अगर तुम्हारे से ये सब हो रहा है तो, इसीलिए हम घर पे नहीं बता सकते थे। और कॉलेज वाले फिर हम लोग को बोलते कि तुम मतलब ऐसा मतलब हमने जब भी अभी कंप्लेंट दर्ज किए तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अब आप लोग बोलते कॉलेज का नाम ये होगा, आप इंटरनली ये सॉल्व करो, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमको मत सिखाओ। फीमेल फैकल्टी हमको बोले कि हम आपके साथ में है, पर हमारे डिपार्टमेंट के सिर्फ अली सर हमको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उनके ऊपर ही केस डाल दिए, जिसको ढूंढना चाहिए उसको छोड़ के हमारे सर के ऊपर जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। लड़कियों हम कॉलेज में आते पढ़ने के लिए, बस अली प्रोफेसर अगर ऐसे हो ना तो बच्चा पढ़ने के बजाय ना कि और ही उसका माइंड भटक जाता है। मजबूरी एक तो हम पहले ही तंग होते हैं अपने प्रैक्टिकल से, इससे असाइनमेंट ये तो पी आई पहले सबमिट करना पड़ता है, ऊपर से अगर सर ऐसे कारनामे करेगा तो ऑब्वियसली अभी लड़कियां तो कुछ बोलेगी नहीं, अभी हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना, अभी तो हमारी बहन जैसी है, दूसरे लोग क्या उनको नजर से देखते हो हमको लेना देना, लेकिन हम उनके बारे में क्या सोचते हैं मेन थिंग ये होती है। सो हमारा वही मांग है कि राकेश को पकड़ो और उसको हमें कहीं पर भी नहीं चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करो और वो नागपुर के पूरे दुनिया के किसी स्कूल में अपनी ओन ट्यूशन खोलने के तक लायक ना रहे। एचओडी है वो, हम तो चाहे उसको मार भी सकते थे लेकिन हमने उसकी उम्र का लिहाज करते हुए, हमारा टीचर है लेकिन हमने फिर भी पुलिस वाले ने तो हमको धक्के दे के मार दिया, हमारे दोस्त को तो यहाँ से गले पकड़ पकड़ के भगा दे, वो तो फ्रेंड्स को हमारे बोल रहे एक्शन लेंगे कुछ कर तो नहीं रहे। हाँ सीएस डिपार्टमेंट फाइनल ईयर सिंधु महाविद्यालय। दीदी ने बताया कि पिकनिक के समय में भी कुछ लड़कों को बोल रहे थे लड़की को अच्छा होगा ऐसा होगा, क्या बताना है? बिल्कुल ये सब बात सही है और राकेश गेडम सबको परेशान करके रखता था, वो एक बार सब पिकनिक में गए थे उनको भी ये बात बोला था कि मुझे लड़की जमा दो करके, मैं सबको पास कर दूंगा पूरा फाइनल ईयर वगैरह सब निकाल के दूंगा करके। इसी के साथ साथ राहुल मिश्रम भी है, वो भी लड़कियों को हरास करता था, वो लड़की अच्छी दिख रही है उसे बुला ले लाइव में बुला ले, उससे गंदी गंदी चैट्स करता था, डबल मीनिंग बातें करता था, उसके स्क्रीनशॉट्स भी है, उसके सारे प्रूफ भी है सभी के पास। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।